Hello dear students, in this video lecture we will learn the image formation by a plane mirror. Okay, also we will see some formulas, and those formulas will be very useful to solve numericals on image formation by a plane mirror. So let's start this video lecture. So first we will see how an image formed by a plane mirror. So here we have a plane mirror mm-. Okay, mm dash is our plane mirror. Okay, now here AB is a object. A is called head of object, B is called tail of object. Okay, so first you will take a point A. पहले हम क्या लेते हैं point A को लेते हैं. Now you can see that two rays are emerging from point A. दो rays point A से निकल रही हैं, ठीक है. First ray is incidenting normally on a plane mirror. जो पहली ray है it is incidenting normally on a plane mirror. So what will happen? It will reflect back on a same path. We already learned this law, why this ray will reflect back on a same path. Okay, here also once again I will explain that because this incident ray incidenting normally on a mirror, the incident angle becomes zero. Okay, now because incident angle is zero, so by the law of reflection the reflecting angle will also be zero, so it will reflect back on a same path. Okay, now see this ray. This ray is coming and incidenting obliquely on a plane mirror. So what will happen by the law of reflection? It will reflect back obliquely. ठीक है, ये rule होता है reflection का कि अगर कोई ray है वो ray आकर तिरछी जो है किसी angle पर incident हो रही है mirror पर तो क्या होगा उसी angle पर वापस reflect back हो जाएगी. Okay? Now if I extend both these रिफ्लेक्टेड रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इन्हें अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, विच इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बट वर्चुअली वी कैन एक्सटेंड बोथ दीज रिफ्लेक्टेड रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो वॉट वी सी डेट दीज टू रेज सीम्स टू कट इच अदर एट अ पॉइंट ए डैश. ठीक है, दीज टू रेज सीम्स टू कट इच अदर एट अ पॉइंट A dash. तो A dash क्या रिप्रेजेंट करेगा? A dash will represent a image of this point A. A dash जो होगा वो ये जो point A है उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगा? Image को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो उसका हेड है ऑब्जेक्ट का उसकी इमेज मिल जाएगी हमको, ये मिल गई A dash. ठीक है, अब ऐसे ही हम इमेज पता करते हैं किसकी? पॉइंट B की. ठीक है, तो पॉइंट B के लिए भी सेम हम दो रेज मान लेते हैं. दीज आर द टू रेज. पहली जो रे आ रही है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पर, तो क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पे. ठीक है, दूसरी जो रे आ रही है, दूसरी रे जो है वो तिरछी जो है वो इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पर, इंसिडेंट हो रही है मिरर पर. ठीक है, तो मिरर पर किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उतने ही एंगल पे वापिस. ठीक है, सो यू कैन सी दैट दिस रे विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल. ठीक है, अब वापस से वही कॉन्सेप्ट करते हैं कि वी एक्सटेंड बोथ दीज रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. सो व्हेन यू एक्सटेंड बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन दे सीम्स टू कट ईच अदर एट अ पॉइंट दिस पॉइंट बी डैश. तो बी डैश जो है वो हमें क्या मिलेगा? बी का बी डैश जो होगा, बी डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो बी पॉइंट है उसकी इमेज को. ठीक है, अब अगर आप ए डैश और बी डैश को कनेक्ट कर देते हैं तो ए डैश बी डैश क्या करेगी? इमेज रिप्रेजेंट करेगी किसकी? ए बी की. ए बी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहा बनेगी? ये ए डैश बी डैश. ठीक है, नाउ इस इमेज फॉर्मेशन से आप कुछ पॉइंट्स लर्न कर सकते हो. वो पॉइंट्स क्या है? पहली बात, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है प्लेन मिरर से वही डिस्टेंस जो है इमेज की होती है प्लेन मिरर से. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर. जो डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर से क्या रहेगी? सेम रहेगी. दूसरी चीज आप ये देख सकते हो, दूसरा जो पॉइंट है द सेकंड पॉइंट इज दैट द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल. ओके, दिस इमेज फॉर्म इज वर्चुअल सो डेट वी रिप्रेजेंटिंग दीज रेज इन अ डॉटेड लाइन्स. ओके, सो इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड दिस इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. मिरर की ये साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वाला जो होता है वो क्या होता है? बिहाइंड द मिरर. तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी? बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी. ठीक है, थर्ड थिंग यू कैन नोटिस दैट दिस इमेज इज इरेक्ट. ओके, सो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट ऑल्सो. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज
laterally inverted. Okay, so this point we will study in a next figure. Okay, so let's see this. In this diagram you can see that O is a object, point object, and I is a image of this point object. Okay, as it object moves in upward direction, image is also moves in a upward direction. As the object moves in a downward direction, the image is also moves in a downward direction. Okay, if I bring the object near to a plane mirror, the image is also comes near to the plane mirror. Okay, as I bring the object near to a plane mirror, image is also comes near to a plane mirror. Okay, so you can see that the distance of an object from a plane mirror is always equal to the distance of an image from a plane mirror. One thing you can also notice that these are the two rays emerging from the object and they are incidenting obliquely on a plane mirror, and after reflection both these rays will reach to a eye. Okay, and virtually they cut each other at this point where the image is formed. Jahan par image ban rahi hai, wahan par ye virtually they seems to cut each other. So it is very important that these rays after reflection will reach our eyes, then only our eye can see the image. Okay, I hope you understand this diagram. Let's move. Now you can see this diagram. In this diagram, mm dash again is a plane mirror. It denoted mm dash as a plane mirror. AB is our object. Okay, AB is our object and the height of our object is h. Okay, now the distance of object from a plane mirror is u. Okay, now these are the two rays emerging from point A. One is incidenting normally on a plane mirror, so it will reflect back. There is another ray. This ray is incidenting obliquely on a plane mirror, so it will reflect back with the same angle. Okay, now if you extend both these rays in a backward direction, they seems to cut each other at a point A dash. Okay, so this A dash denotes the image of point A. Okay, now similarly there is the two light rays from point B. Okay, now first is go normally and incidenting on a this plane mirror, so it will reflect back. Okay, another ray is incidenting obliquely on a plane mirror, so it reflects back obliquely. Okay, now again if you extend both these two rays in a backward direction, they seems to cut each other at a point B dash. So B dash denotes the image of this point B. Now if you connect A dash to B dash, so A dash B dash will represent the image of this object AB. As you can see that the height of image is equal to the height of object. Also we take distance of this image from a plane mirror is B. Okay, so now let's see what is a sign for a distance of an object from a mirror and a distance of an image from a mirror. So remember, when you go from left side to right side, so we consider this left side to right side as a direction of a light ray. ठीक है, साइन कन्वेंशन हमने पहले भी स्टडी करा है, तो यहाँ पर भी वही रूल लगाते हैं कि अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो तो वो सारी डिस्टेंस हमको पॉजिटिव लेनी है. लेफ्ट से राइट की तरफ कोई भी डिस्टेंस आप मेजर अगर करते हो तो वो डिस्टेंस हमको क्या लेनी है, पॉजिटिव. और राइट से लेफ्ट की तरफ कोई भी डिस्टेंस लोगे आप तो वो डिस्टेंसेस हमें कैसी लेनी है, नेगेटिव. ठीक है, और सारी डिस्टेंसेस हम कहां से लेंगे, मिरर से. ओके, तो चलो देखते हैं कि U का क्या साइन आएगा और V का क्या साइन आएगा. तो ये आप भी बता सकते हो, जैसे U हम मेजर करेंगे तो U हम मिरर से लेंगे. मिरर से ऑब्जेक्ट जो है अपना AB, वहां तक के डिस्टेंस. तो मिरर से आप जब AB की तरफ आओगे तो हम क्या होंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे. तो राइट साइड से आप लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हो तो हम कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव. तो U को हमें कैसा लेना है, नेगेटिव. तो जो साइन मिलेगा U को कैसा मिलेगा, नेगेटिव, माइनस. ओके, ऐसे ही वी जो डिस्टेंस लोगे आप, वी डिस्टेंस कैसे लेंगे हम, मिरर से इमेज तक के डिस्टेंस. तो मिरर से आप इमेज तक की जब डिस्टेंस लोगे तो आप कैसा आओगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ. तो लेफ्ट साइड से जब आप राइट साइड की तरफ आओगे तो हमें ये साइन कैसा लेना है, इस तरह पॉजिटिव साइन लेना है. ओके, तो वी हम कैसा लेंगे,
पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ अ इमेज फ्रॉम अ मिरर। लेट्स मूव नाउ, लेट्स सी व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ लेटरली इन्वर्टेड। ओके, अब देखते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, कि जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर से, हम कह रहे हैं कि दैट इमेज इज अ लेटरली इन्वर्टेड। तो लेट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ लेटरली इन्वर्टेड। सो हियर यू कैन सी दिस लेटर पी। ओके, सो दिस पी इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, दिस पी इज अवर ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टेक थ्री पॉइंट्स। दिस इज टॉप पॉइंट, दिस इज मिडिल पॉइंट एंड दिस इज अ बॉटम पॉइंट। ओके, सो लेट्स टेक टू रेज फ्रॉम द टॉप पॉइंट। दिस रे गोज नॉर्मली, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक। दिस रे गोज ऑब्लिक्वली, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑब्लिक्वली। ठीक है, नाउ एक्सटेंड बोथ दीज रेज इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, दे सीम्स टू कट ईच अदर एट दिस पॉइंट। सो दिस इज अ इमेज ऑफ टॉप पॉइंट। ठीक है, यहां पर जो है आपको जो टॉप पॉइंट है इसका ऑब्जेक्ट का, उसकी इमेज आपको इधर मिल जाएगी। ओके, एट दिस पॉइंट। ओके, नाउ सिमिलरली टेक अ मिडिल पॉइंट एंड सिमिलरली टेक अ बॉटम पॉइंट। सो यू विल गेट दैट दीज आर द पॉइंट यू विल गेट इन अ इमेज। सो कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, सो यू कैन सी दैट द इमेज यू विल गेट इज अ लेटरली इन्वर्टेड। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज अ लेटर पी एज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ इमेज ऑफ लेटर पी यू विल गेट। नाउ दिस इज अ रीजन वाई यू कैन सी इन अ एम्बुलेंस द वर्ड्स रिटन ऑन अ एम्बुलेंस इज लेटरली इन्वर्टेड। वाई? बिकॉज इफ समवन सी दोज वर्ड्स इन देयर मिरर, इन अ साइड मिरर ऑफ अ व्हीकल, ही विल रीड दैट होल वर्ड एज अ एम्बुलेंस इन अ राइट वे। ओके, सो दिस इज अ रीजन वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन लेटरली इन्वर्टेड ऑन अ एम्बुलेंस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। नाउ लेट्स समराइज दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। सो फर्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट फॉर्मुलास फॉर अ प्लेन मिरर। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। यू कैन डिटरमाइन इट ऑल्सो, अप्लाई अ मिरर फॉर्मुला। सो देर इज योर मिरर फॉर्मुला, 1/f = 1/u + 1/v। एज यू कैन सी डेट वी टेक u एज अ नेगेटिव, सो टेक u इज अ नेगेटिव u, टेक v एज अ पॉजिटिव v। ओके, नाउ वी नो डेट द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ अ इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर। सो द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v। ओके, नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस मिरर फॉर्मुला। So you will see that 1/f = -u + 1/u. Put this value of v is equal to u. Okay, v is already positive, so you just put value of v is equal to u. So you will get 0. So 1/f = 0. So यहाँ से आपको जो f मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, infinity. Okay, so by this mirror formula you can calculate that the focal length of a focal length of a plane mirror is infinity. Now see, we have a formula of radius of curvature. So radius formula for radius of curvature is r is equal to 2f. Okay, so f is infinity, so put the value of f infinity, so you will get radius of curvature for a plane mirror is infinity. Okay, now let's see magnification of plane mirror. So we have a formula for magnification is equal to h dash by s, means size of image divided by size of object, or you can write minus v upon u. Okay, this negative sign is with a formula. Now put, we know that a image formed by a plane mirror, the size of image is equal to size of object, so the value of h dash is equal to h. Okay, so by this you will get magnification is equal to 1 plus 1. Okay, similarly if you put value of u is equal to v, so put the value of u is equal to v. Now in this formula we put value of v is equal to u here. So put value of v is equal to u. Negative is a sign which is in a formula. Okay. Now u, we take u as a negative u. By
our sign convention. So you put value of u is equal to minus u. So by this you will get 1, plus 1. So magnification of a plane mirror is plus 1, in which plus represent that image is virtual and erect. Plus sign क्या बताता है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है. ओके, और 1 क्या बताता है, 1 रिप्रेजेंट दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. जो इमेज का साइज है वही क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है. ओके, नाउ अनदर फॉर्मूला. बाय दिस फॉर्मूला वी विल लर्न दैट. ओके, सो बाय these formulas we will learn that how many images are formed by the two plane mirrors if they are situated inclined to each other. कोई दो plane mirror है, एक दूसरे से किसी angle पर है. Okay, एक दूसरे से किसी angle पर है और उनके बीच में अगर object रख दिया जाए symmetrically या asymmetrically, ठीक है, तो वो कितनी इमेज बनाएंगे. ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूलाज हैं. ये फॉर्मूला आपको सिंपली अप्लाई करना है और इन फॉर्मूले से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कितनी इमेजेस उससे बनेंगी. ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको करना है, जैसे फर्स्ट केस लेते हैं, दिस इज अ फर्स्ट केस. ठीक है, इन दिस फर्स्ट केस हमारे पास दो मिरर हैं, ये मिरर, वन मिरर इज एम, अनदर मिरर इज एम डैश. सो लेट्स टेक द एंगल बिटवीन द दीज टू मिरर्स. ध्यान रखना जो एंगल लेना हो क्या लेना, मिरर के बीच का. ठीक है, सो लेट्स द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स एम एंड एम डैश इज थीटा. एम और एम डैश के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है. तो आपको थीटा यहाँ रख देना है. मान लो कि आपके जो दो हैं, दोनों मिरर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री. ठीक है, तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री रखना है और 90 डिग्री रख के इसको चेक करना है. तो इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो यू विल गेट 4. 4 इज अ इवन. ठीक है, 4 क्या आएगा, आपका इवन आएगा. तो 4 इवन आया तो इसका मतलब है कि चाहे मिरर जो है इंक्लाइंड है एक दूसरे के, और उनके जो ऑब्जेक्ट है चाहे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या असिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, जो इमेजेस बनेगी वो कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1. ठीक है, यानी यहां पर हमने थीटा कितना रखा था, 90. तो यहां से आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितना जाएगी, 3. ठीक है, अब ये चीज देख लेते हैं कि सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली का मतलब क्या है. सिमेट्रिकली मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उनके बाइसेक्टर पे रखा हो. ठीक है, जैसे मान लो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, एम और एम डैश के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो ये दोनों एंगल आधे आधे कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री. अगर ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा हुआ है बाइसेक्टर पर तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकली. ठीक है, और अगर बाइसेक्टर पर नहीं है तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिकली. तो पहला वाला जो फिगर है वो तो बता रहा है सिमेट्रिकली का मतलब, और दूसरा वाला जो फिगर है ये बता रहा है असिमेट्रिकली का क्या मतलब होता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है. जैसे ही आपको दे कि भाई देर आर टू मिरर्स एंड दे आर सिचुएटेड एट सर्टन एंगल विद ईच अदर, दो मिरर हैं और वो दोनों ही एक दूसरे से किसी एंगल पर है. ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू रख के इनको डिवाइड करके रेशियो निकालना है. अगर रेशियो इवन आ जाता है तो सिंपली जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितनी बनेगी, 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1. जैसे अभी यहाँ पर मान लो कि दीज टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना होगा, 90. 90 से डिवाइड करो तो आएगा 4. 4 क्या है, आपका इवन है. ठीक है, तो इवन है तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है. तो 4 माइनस 1 नंबर ऑफ इमेजेस कितना जाएगी, 3. ठीक है, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस ये है कि जैसे मान लो यहाँ तो आपका रेशियो इवन आया था, मान लो आपका रेशियो जो है वो ओड आ गया. ठीक है, आपने यहाँ पे डिवाइड करा थीटा, ऐसा कोई वैल्यू रखी थीटा की इस तरह से है कि जो रेशियो है इसका वो ओड आता है. तो अगर ओड आता है तो आपको चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है या असिमेट्रिकली रखा हुआ. ठीक है, सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली मैंने आपको यह बताई दिया है. अगर बाइसेक्टर पर रखा है तो सिमेट्रिकल है, और अगर बाइसेक्टर पर नहीं है तो असिमेट्रिकल है. ठीक है, तो आपको ये रेशियो निकालना है. अगर ये रेशियो ओड आता है, ठीक है, तो ओड अगर आ गया, मान लो रेशियो जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, ऐसा आपके अगर रेशियो आ जाता है, ओड आ जाता है, तो आपको ये दो केस चेक करना है. चेक करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली रखा हुआ है या असिमेट्रिकली रखा हुआ है. अगर मान लो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1. ठीक है, अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1. और अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली रखा हुआ है तो इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा.
थीटा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको क्या कर रहा है। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में दिया है कि दो मिरर है वो एक दूसरे से किसी एंगल पर है, जितने भी उस एंगल की वैल्यू दी है तो आपको ये रेशियो निकालना है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। ठीक है, अगर वो इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस वन। अगर वो ओड आता है रेशियो तो आपको ये चेक करना है कि वो सिमेट्रिकली रखा है ऑब्जेक्ट या असिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकली रखा है तो जो इमेजेस बनेगी वो कितनी रहेगी, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस वन, और अगर असिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 360 डिवाइड बाय थीटा। ओके, अब मान लो कि आपने नंबर ऑफ इमेजेस निकाली और नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो क्या आ रही है, डेसिमल में आ रही है, तो हमें डेसिमल में वैल्यूज नहीं लेनी है। ठीक है, हमें क्या लेना है, उनकी वैल्यूज जो लेनी है वो इंटीजर वैल्यूज लेनी है, डेसिमल में वैल्यूज नहीं लेनी है। ओके, सो लेट्स मूव नाउ, लेट्स सी अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, ये जो आपको ध्यान रखना है कि मान लो दो जो मिरर है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब दो मिरर अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल अगर 90 डिग्री है और आपको पता करना है कि कितनी इमेजेस उससे बनेगी, तो हमारे पास फॉर्मूला है 360 डिग्री बाय थीटा। तो यू पुट 360 डिग्री बाय थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वहां से आपके पास आएगा 4। तो 4 क्या है, इवन है। ठीक है, दिस फॉर्मूला, तो यहां पर आप थीटा 90 रख दो तो 4 आया, 4 क्या है, इवन है। तो अगर इवन होता है तो सीधे आपको करना है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना जाएगा, 3। तो अगर दो एंड दीज थ्री इमेजेस आर इन अ सर्कल, ये जो तीन इमेजेस बनती है ये क्या होती है, सर्कल में होती है। ठीक है, और इन सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल का सेंटर होगा जहां पर के दोनों मिरर जो है वो मिल रहे हैं, दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो रेडियस होगी इस सर्कल की, वो रेडियस जो है वो ऑब्जेक्ट और जो सेंटर है सी, उनके बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम ओनली, इट इज अ वेरी रेयर चांस डेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, नाउ इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज थीटा आफ्टर कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन इज, सो ये है इस तरह से कि दो मिरर आपको दिए हुए हैं, दीज आर द टू मिरर्स, दिस इज अ फर्स्ट मिरर, ओके, एंड दिस इज अ सेकेंड मिरर, और इन दोनों मिरर के बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो जो डेविएशन, डेविएशन किसको कहते हैं, कि जो इंसिडेंट रे है, दिस इज अ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको डेविएशन बोला जाता है। तो जैसे अगर ये फर्स्ट मिरर है अपना और इस फर्स्ट मिरर में ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा वन, डेल्टा वन इज अ रिफ्लेक्शन फॉर अ फर्स्ट मिरर। सिमिलरली यू कैन सी दैट दिस इज अ रिफ्लेक्शन फॉर अ सेकेंड मिरर, ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्शन फॉर अ सेकेंड मिरर। तो यू कैन राइट दिस, टोटल रिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये टोटल रिफ्लेक्शन हो गया, और इसकी वैल्यू जो आएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट 2π - 2θ। ओके, सो इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज थीटा आफ्टर कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन इज हाउ मच, 2π - 2θ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर दैट हाउ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। सो I can divide this video lecture into two parts. First part is important for the board examination, because in board examination many times a question comes that write the properties of a plane mirror. Okay, so this simple question is very important for the board examination. But if you are preparing for the competitive examination, so in the competitive examination all the formulas and all the explanation which I discussed in this video lecture is very important. Okay, so I prepare this video lecture for the board examination students also, and for those students those are preparing for the competition level examination. Okay, so I hope you understand all the concepts, how the image formed by a plane mirror, all the formulas, and these formulas are very important when you solve the questions up to a competitive level.
Okay, so in my next video lecture, we will solve some numerical problems on the basis of plane mirror. Okay, and those problems are of competitive level. Okay, thank you for watching and thank you for the type of support I am getting from all of you students. Okay, thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लर्न कर रहे हैं कि प्लेन मिरर जो है उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि कोई पर्सन अपनी पूरी इमेज उसमें प्लेन मिरर में देख सके, और दूसरा हम डिटरमाइन करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इमेज, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे डिटरमाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर. तो सबसे पहले वी हैव अ पर्सन और H जो है उसके हेड को डिनोट कर रहा है, EI को, F फुट को, E जो है हमने मिडिल में ले लिया है यहाँ पर, Y बिकॉज सेक ऑफ कन्वीनियंस. ओके, इस तरह से PQ हमारे पास प्लेन मिरर है, PQ इज अ प्लेन मिरर. नाउ हियर दिस इज अ इंसिडेंट रे फ्रॉम द हेड ऑफ अ पर्सन एंड दिस इंसिडेंट रे इंसिडेंटिंग ऑब्लिक्वली ऑन अ प्लेन मिरर, सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑब्लिक्वली. ठीक है, जो इंसिडेंट रे आ रही है वो ऑब्लिक्वली आ रही है, तो ऑब्लिक्वली ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. इसी तरीके से जो फुट है, फुट से भी एक इंसिडेंट रे ली हमने, और ये इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, ऑब्लिक्वली, तो यहां से वापस ये जो रिफ्लेक्ट होगी ऑब्लिक्वली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, आगे देखते हैं. अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ, इस तरह से हमने रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो है इसको इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे है इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, नाउ इफ अ डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ मिरर इज एक्स, देन द डिस्टेंस ऑफ अ इमेज फ्रॉम अ मिरर शुड बी एक्स. जैसे हम जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज की डिस्टेंस प्लेन मिरर से वही होती है जो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है. ठीक है, अब मान तो इस तरह से आप एक वर्टिकल लाइन उतनी ही जितनी डिस्टेंस पर ये पर्सन खड़ा हुआ है प्लेन मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर अगर इस तरह से एक लाइन बनाते हैं वर्टिकल लाइन, तो वो जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, पॉइंट होंगे एच डैश और एफ डैश. ठीक है, तो ये एच डैश एफ डैश जो होगा वो इस पर्सन की इमेज को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, एच डैश एफ डैश इज अ इमेज ऑफ अ पर्सन. ठीक है, सो ये जो इमेज बनी है इसकी मिरर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी मिरर से डिस्टेंस कितनी है, एक्स. ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टीज जानते ही है, जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो इमेज का साइज होगा वो जो पर्सन का साइज था उसी के बराबर होगा, या ऑब्जेक्ट का जो साइज था उसी के बराबर जो है आपका इमेज का भी साइज होगा. तो आपको समझ में आ गया होगा ये एच डैश एफ डैश जो है वो क्या है, इमेज है इस पर्सन की. ठीक है, आगे देखते हैं. नाउ लेट्स सी हियर, हमने अज्यूम करा कि एच इज अ हाइट ऑफ इमेज. ओके, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमने पहले ही बता दिया आपको कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी जो हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होती है. ठीक है, तो हमने दोनों की हाइट जो है वो कितनी मान ली, h, स्मॉल h मान ली. नाउ यू कैन सी दिस हियर अ ट्राइंगल PEQ, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है PEQ. ओके, और एक दूसरा ट्राइंगल है बड़ा वाला, वो है एच डैश ई और एफ डैश. सो देयर इज टू ट्राइंगल्स, वन इज PEQ and another one is H dash E F dash. Now these two triangles both are similar triangles. Okay, because this angle is same for both the triangles. ये वाला जो angle यहाँ पर बनेगा वो दोनों ही triangles के लिए क्या होगा, same होगा, इसलिए ये दोनों triangle क्या है, similar triangle है. तो अगर दो triangle similar triangle है तो हम उनके base का ratio और उनके जो perpendicular है उनके ratio लेके इक्वलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लेते हैं जैसे ये बेस है PQ, छोटे वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो कितना है, PQ है, तो हम PQ ले लेते हैं. ठीक है, छोटा जो ट्राइंगल है उसका जो बेस है PQ, और डिवाइड बाय जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका जो बेस वो कितना है, एच डैश एफ डैश. ठीक है, तो PQ डिवाइड बाय एच डैश एफ डैश. इसी तरह से जो ये परपेंडिकुलर है तो ER डिवाइड बाय EE डैश. ठीक है, छोटे वाले का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बड़े वाले ट्राइंगल का, तो ई आर डिवाइड बाय ई डैश. ठीक है, तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो, तो एच डैश एफ डैश जो है आपका, एच डैश एफ डैश क्या, इमेज है, तो इमेज का हाइट कितनी है, एच. ओके, तो ये रख दीजिए आप,
और इसे ई आर, ई से लेके आर तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो ये एक्स रख देंगे, और ई से लेके ई डैश तक की डिस्टेंस कितनी है टू एक्स, ई से ई डैश एक्स और एक्स टू एक्स, टू एक्स पुट कर दो आप, तो इससे आपके पास आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू एच बाई टू। ठीक है, तो पी क्यू क्या चीज है हमारे पास, पी क्यू है साइज ऑफ अ प्लेन मिरर। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जो साइज ऑफ अ प्लेन मिरर है या हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर है वो हमारे पास कितनी आ रही है एच बाई टू। ठीक है, तो जो मिनिमम हाइट चाहिए होती है प्लेन मिरर की जिससे कि कोई पर्सन अपनी फुल इमेज देख सके, वो हाइट क्या होती है, उस पर्सन की हाइट की आधी होती है, हाफ। ओके, तो थ्योरेटिकल अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम बना के आप ये प्रूफ कर सकते हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो हाइट ऑफ अ मिरर जो रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, एच बाय टू होगी। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। नाउ सी हाउ अ रिलेटिव वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट। तो यहां पर एमएम डैश हमारे पास वही प्लेन मिरर है, ओ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है वी वेलोसिटी से। तो जनरली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, तो हम जब लेफ्ट से राइट साइड आते हैं तो उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, तो इसकी वेलोसिटी को हमने प्लस वी मान लिया। ठीक है, अब जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है उतनी ही वेलोसिटी से इमेज भी जो है वो प्लेन मिरर के पास आएगी। ठीक है ना, तो जनरली हम जब राइट से लेफ्ट जाते हैं एक्स एक्सिस पे तो कैसे साइन लेते हैं, नेगेटिव, तो यहां पर हमने इसकी वेलोसिटी कैसे ले ली, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें देखनी है इमेज के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप देखें कितनी है, प्लस वी, वो रख दो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो कितनी है, माइनस वी, उसको रख दो यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा सॉल्व करें इसको तो आपका आ जाएगा प्लस टू वी। अब प्लस टू वी में प्लस साइन क्या बता रहा है, तो प्लस साइन ये बता रहा है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं इमेज से, तो आप ये समझिए कि आप इमेज पर हैं, तो अगर आप इमेज पर हैं तो आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इमेजिन करें कि आप अगर इमेज पर हैं, इमेज पर बैठे हैं, और तो ऑब्जेक्ट क्या है आपको प्लस एक्स की तरफ आता हुआ दिखेगा, तो इसलिए ये प्लस का साइन है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्लस टू वी। ओके, अब यहां देखते हैं, अगर आप हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगेन आप ये सिंपल फॉर्मूला लगाएं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज देख लें यहां से कितनी है, माइनस वी, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देख लें कितनी है, प्लस वी, तो ये कितना आ रहा है, माइनस टू वी। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर माइनस का क्या मतलब है, तो माइनस का मतलब है कि आप अब आप इमेज की वेलोसिटी को एनालाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो आप खुद को कहां देखें कि आप ऑब्जेक्ट पर हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट पर हैं तो इमेज कैसी दिखेगी आपको, नेगेटिव डायरेक्शन में आती है, दिख रहा है आपको इमेज जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आती हुई दिखेगी, तो वो साइन का आएगा अगर नेगेटिव का, तो इसलिए यहाँ का आएगा साइन है नेगेटिव का। ठीक है, तो इस तरह से जो रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी आ जाएगी, माइनस टू वी। ठीक है, एक दूसरा केस लेते हैं, अगेन इस केस में वही एमएम डैश जो है वो आपका प्लेन मिरर है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जा रहा है प्लेन मिरर से, तो अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये राइट से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब की बार जो इसकी वेलोसिटी का साइन होगा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इमेज है ये किधर जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। दोनों जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उतनी वेलोसिटी से इमेज भी दूर जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो दोनों का वी वी ही रहेगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज, तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं आप वापिस से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कितना है, माइनस वी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो कितना है, प्लस वी है, तो माइनस वी माइनस, तो ये माइनस फिर प्लस वी, तो ये आपको सॉल्व करके कितना आ रहा है, माइनस टू वी। तो माइनस टू वी का क्या मतलब है, माइनस टू वी का मतलब है कि आप अब क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का मोशन एनालाइज कर रहे हो इमेज के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो आप ये कंसिडर करो कि आप इमेज पे बैठे हो, इमेज पर हो आप, तो अगर आप इमेज पर हो तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ जाता दिखेगा, किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में जाता हुआ, तो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो किसका साइन आना चाहिए, माइनस का, तो ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, और जब सॉल्व करा तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपके पास,
टू वी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अब इमेज की निकालनी है आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट। ठीक है, पहले सिंपल फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज देख लो यहाँ पर कितना आपका प्लस वी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो कितना माइनस वी, तो माइनस वी रख दो, तो सॉल्व करके आपका कितना आ रहा है प्लस टू वी। तो मैग्नीट्यूड तो टू वी ही आ रहा है, पर प्लस का क्या मतलब है? प्लस का ही मतलब है कि अगर आप इमेज का मोशन एनालाइज कर रहे हो और किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के, तो आप कहां पर हो? ऑब्जेक्ट पर हो। तो अगर आप ऑब्जेक्ट पर हो तो इमेज कहां जाती हुई दिख रही है आपको? राइट साइड में जाती हुई दिख रही है। तो राइट साइड में अगर ये जा रही है तो कैसा साइन लेंगे अपन? प्लस का। तो इसलिए काय का साइन आ रहा है? प्लस का। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आए होंगे कि एकदम मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए प्लेन मिरर की, ताकि कोई पर्सन अपनी पूरी इमेज उसमें देख सके। ठीक है, और दूसरा किस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज के रेस्पेक्ट में और इमेज की ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई डिस्कस्ड इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।